नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इसी से ही रिलेटेड है जो अब तक हमने सारी एंट्रीज की हैं। रिसीव 20,000 फ्रॉम सुभाष विच वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट इन द प्रीवियस ईयर, जिसको आप ऑलरेडी बैड डेट लिख चुके थे, अब आपको उससे 20,000 रुपीज रिसीव हुआ है जिसको आप ऑलरेडी बैड डेट डिक्लेयर कर चुके थे। अब जब बैड डेट हम ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके थे, अब उससे पैसा मिल रहा है, पैसा तो मिल रहा है, कैश तो डेबिट हो जाएगा, यहीं पे ही कर लेते हैं सीधा, कैश तो मुझे मिल रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, और किस नाम का मिल रहा है, बताया था ये कल हम कर चुके हैं एंट्री, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट कितना मिल रहा है, 20,000, जिसको मैं ऑलरेडी बैड डेट डिक्लेयर कर चुकी थी, अब उससे मुझे 20,000 रुपीज मिल गया। सेकेंड ट्रांजेक्शन देखो क्या दे रखे है इन्होंने, सैलरी ड्यू टू क्लर्क 50,000 रुपीज, सैलरी ड्यू टू क्लर्क, ड्यू मतलब अभी आपने पे नहीं की है, पे नहीं की है, खर्चा तो इसी साल का है तभी तो ड्यू है, तभी तो आउटस्टैंडिंग है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट तो हो जाएगा क्योंकि वो तो आपने देना है, खर्चा तो है ही आपका इसी साल का। सैलरी अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज, और साथ में अभी पे नहीं किया है, पे करना बाकी है, तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 50,000 रुपीज। आगे समझ में, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 50,000 रुपीज। नेक्स्ट है आपकी थर्ड एंट्री, आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 10,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 10,000 इज रिलेटेड टू दिस ईयर। अब मैं अगर रिज्यूम करूं, मैंने रेंट पे किया है वो 20,000 किया है, जब मैंने पे किया होगा तो एंट्री क्या होगी, होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 20,000 रेंट के नाम का पे किया है, लेकिन उसमें से वो बोल रहा है 10,000 तो अगले साल का, इस साल का तो है ही नहीं। अब इस साल का नहीं है तो मैं इस साल का खर्चा तो दिखा रही हूँ, रेंट को जब मैंने डेबिट कर दिया इस साल में 20,000, तो ये माना जाएगा जी इस साल का रेंट 20,000 था, लेकिन इस साल का रेंट तो सिर्फ 10,000 रुपये था, तो उतने से ही रेंट को क्रेडिट कर देंगे जितना आपका खर्चा नहीं है अभी इस साल का। टू रेंट अकाउंट 10,000 रुपीज से मैंने क्रेडिट कर दिया, और किस अकाउंट में डाल दूंगी मैं इसको, प्री पेड रेंट अकाउंट 10,000 रुपीज, प्री पेड रेंट अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट किया मैंने इसको, क्योंकि ये मेरी एसेट है, क्योंकि मैंने इसको प्री पे कर दिया है, क्योंकि मैंने उसको एडवांस में पे कर दिया है, तो प्री पेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। तो जो हम एंट्री पास करेंगे, इन्होंने हमें बोला है आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 10,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, तो हम उस 10,000 की एंट्री करेंगे, प्री पेड रेंट अकाउंट डेबिट 10,000 टू रेंट अकाउंट 10,000 रुपीज। नेक्स्ट है फोर्थ एंट्री, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 50,000, फर्नीचर कितने का है 50,000 का, उस पर 10% आपको डेप्रिसिएशन लगाना है, तो डेप्रिसिएशन लग गया आपका 5,000 का, 5,000 से फर्नीचर की वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो गई। अभी तक तो फर्नीचर आपकी बुक्स में डेबिट हुआ होगा 50,000 से, लेकिन अभी 5,000 से उसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई है, तो 5,000 से उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। और किस नाम से रिड्यूस हुई है, क्यों रिड्यूस हुई है, डेप्रिसिएशन की वजह से, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 5,000 टू फर्नीचर अकाउंट 5,000 रुपीज। नेक्स्ट है प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू 10 लाख, 10 लाख इज योर कैपिटल, जिसपे वो बोल रहे हैं 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है, 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब आप लगाओगे तो वो आएगा 1,20,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने आपको बताया था कि फर्म के लिए क्या होता है, ये एक्सपेंस होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म, तो मैं कर दूंगी डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना आ रहा है 1,20,000, और वो कहाँ जाएगा, वो मेरे कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाएगा, टू कैपिटल अकाउंट 1,20,000 रुपीज। नेक्स्ट है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 8,000 पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपने लगाना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 8,000 है,
तो आपका क्या एंट्री हो जाएगी? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर्म के लिए तो क्या हो गई? इनकम हो गई, तो हो जाएगी क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को तो मैंने कर दिया क्रेडिट 8000 से, ठीक है। और वो जाएगा कहाँ, वो लेगा कहाँ से? मेरे अकाउंट से ही काटेगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से तो वो ड्रॉइंग्स अकाउंट से ही कट जाएगा। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट 8000 रुपीज़।